हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू. दिस इज़ मनीषा. फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ. कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये सबके लिए, तो मैंने पाल्स नहीं रखी है. ये उन लोगों के लिए ही मैं टॉपिक लेके आई हूँ. मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक की कमेंट में. मैंने देखा था कि कुछ आ रहा है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ. उनका टॉपिक यही है कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, क्या उनको कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्या उनका कर्म उनको हिट करेगा, अगर यस तो कैसे, उनको कैसे सज़ा मिलेगी. तो आज की रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए. अगर आप भी ऐसे कुछ सवालों का आंसर जानना चाहते हैं तो आप मेरी रीडिंग पे बने रह सकते हैं, मेरी इस वीडियो पे बने रह सकते हैं. मैं आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी ताकि आपको समझ भी आए कि ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट है भी या नहीं. काफी एक्साइटेड हैं आप ये जानने के लिए कि आपके जो पर्सन हैं, जिसने भी आपको धोखा दिया है, या प्यार में, या रिलेशनशिप में, या बिजनेस में, ईगो की वजह से. यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आपको धोखा दिया गया है. आपके पर्सन ने पहले आपसे वादे किए और फिर उन वादों से मुकर गए और अपने प्यार को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया दूसरों की खुशी के लिए. कास्ट का प्रॉब्लम था, इस वजह से उन्होंने अपने बैक स्टेप कर लिए क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही थी. अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर मैं लव मैरिज की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोगों की कास्ट अलग थी, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली के आगे स्टैंड नहीं ले पाए और सेक्रीफाइस कर दिया. दूसरा एक चीज़ कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ रिलेशन बनाया. आपके साथ बातें भी छुपाई हो सकती हैं, उन्होंने नहीं बताया होगा शुरुआत में कि वो मैरिड पर्सन है. और जब आपको उनसे प्यार हो गया तब आपको एक एक करके उनके बारे में पता चली होंगी कुछ बातें. यहाँ पे ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है, आप देख सकते हैं. अगर मैं बोलूँ तो अनमैरिड तो यही दिख रहा है कि कास्ट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेप बैक किए. कोशिश तो की थी उन्होंने, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास है. यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिलेशन पे हार्डवर्क तो किया गया है, उन्होंने इस रिलेशन को बचाने की तो कोशिश की थी, या आपने इस रिलेशन को बचाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बावजूद इस रिलेशन में वो हो गए नॉन एक्शन मोड में आ गए, यानी कि उन्होंने आगे जाके सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस को भी दिखाता है. तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो किया गया है आपको दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है. ये पर्सन के पास दो ही रास्ते थे, या तो आप या तो कुछ और, या तो आप या तो फिर उनकी फैमिली, दोनों में से एक को चूज करने का इनके पास मौका था. तो इन्होंने चूज किसे किया, आपको नहीं चूज किया, इन्होंने अपनी फैमिली को चूज कर लिया और अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर दिया. ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए. अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, तो आप बने रहिए. यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफी लोगों का हाथ है आप दोनों को अलग करने का. बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि दो प्यार करने वालों को अलग किया जा रहा है. बिल्कुल भी ये ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते. सिर्फ और सिर्फ समाज का सोचा, दुनिया की सोची, रिश्तेदारों की सोची गई, लोग क्या कहेंगे ये सोचा गया. जो दो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, ज़िंदगी बिताना चाहते थे, उन लोगों को अलग कर दिया गया ताकि वो अपने समाज को खुश रख सकें. आप में से काफ़ी लोगों का तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको धमकाया गया कि अगर आपने शादी की तो हम मर जाएंगे. आपके पेरेंट्स का दबाव ऐसा हो सकता है, आपके घर परिवार वालों ने इस तरह से आपके पार्टनर को रोका ताकि वो आपके साथ शादी ना कर सके और उनकी समाज में इज्जत बनी रहे. यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे सिचुएशन. जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उन्होंने नहीं बताया होगा, या फिर आपको बाद में प्यार हुआ, तो डेफिनेटली काफ़ी साल आप दोनों ने बिताए होंगे, कभी उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया भी होगा कि हाँ वो कुछ करेंगे.
लेकिन जब टाइम आया तो अब उन्होंने आपको सेक्रिफाइस कर दिया, आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको ना देना समझा उन्होंने, ना ही कुछ बताना समझा, और आपकी लाइफ से वो निकल गए। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एनर्जी हो रही है। अब हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या था? ठीक है, सिचुएशन मैंने बता दी, अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन के साथ क्या हुआ। मैं ज़्यादातर लोगों की एनर्जी रिलेशनशिप में ही पिक कर रही हूँ, शादी का ही मैटर हुआ है, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, बातों से मुकर गए। क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी आपको धोखा दिया? वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे मजबूरियां थी, उन्होंने दूसरों के लिए सेक्रिफाइस किया, प्यार का गला घोटा, क्या उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में कैसे रह रहे हैं, कैसे उनके कर्मा ने उनको हिट किया? मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन दोबारा से लौट के आया आपकी लाइफ में, नहीं आया तो आएगा जरूर, ये आपके बिना रह नहीं पाएगा। इस पर्सन को लगा जरूर कि मैं उन लोगों को खुश कर देता हूँ, सेक्रिफाइस कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये पर्सन कभी भूल नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड मुझे आपकी एनर्जी दिखा रहा है और ये आपकी तरफ एक्श दिखा रहे हैं कि कोई ऑफर इन्होंने आपकी तरफ लिया है इसके बावजूद, ठीक है। ये अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो शादीशुदा है, देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, उनकी मैं शादी कहीं तय हो चुकी है, अगर उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो पर्सन सबसे पहले और सिर्फ पहले अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करना होता तो वो आपके पास आ चुका होता, ठीक है। तो वहाँ पे आप तो इतना इंतज़ार मत करो कि वो पर्सन अपनी शादी तोड़ के आपके पास आ जाएगा, अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो ऐसा काम ही नहीं करते। तो अपने आप को लेट गो करिए, मतलब इस सिचुएशन से आपको लेट गो करना, मूव ऑन करना ही बेहतर है, अगर आपके पर्सन की शादी हो चुकी है। ऐसे पर्सन का लौटते तो हैं, देखिए मैसेज भी आता है, ये रोएंगे भी, गलती भी होगी, सब कुछ करेंगे, प्यार भी है, हम भूल नहीं पाए, सब कुछ बोलेंगे, बट प्रॉब्लम हो जाएगी कमिटमेंट की, वो पर्सन कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो हार ही जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर वो मैरिड है तो डेफिनेटली वो पहले और सिर्फ पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन और ज़्यादा टफ है, वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, ऐसे रिलेशनशिप में इंतज़ार करना भी सही नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगी। आपका ट्विन भी अगर मैरिड है ना, तब भी आपको उनको रिलीज करना भी होगा, प्यार रहता है, बट मैरिड पर्सन बहुत रियर ही होगा, मिरेकल ही होगा कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, अगर आप भी मिरेकल्स में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली। यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट के तो आ रहा है, बट थर्ड पार्टी के साथ बना हुआ है। अगर इसने किसी और पर्सन के साथ शादी कर ली, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तब ये उसको भी निभाने के बारे में सोच रहा है, ये दिख रहा है इस कार्ड में, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ बिजी है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये शादी हो चुकी है तो उनके किड्स भी हो जाएंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर ही संभालेंगे। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि उधर से भी चलेंगे और आपकी तरफ भी लौट के आ जाएंगे, और ये पर्सन दोनों तरफ से चलेगा आपके साथ, कि उसको तो नहीं छोड़ सकता, तुम भी मेरे साथ रहो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में भी है तो देखिए थोड़ा सा आपको अपने लिए स्ट्रोंग बनना है, ठीक है, बातें होती रहेंगी, ठीक है, प्यार है, ठीक है, बट इस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं होता, आप खुद भी समझदार हैं, ऐसे रिलेशन में तो हमको निकल जाना चाहिए। शादीशुदा पर्सन
नहीं उतना साथ दे पाते हैं, जिसने शादी से पहले हिम्मत दिखा ली दिखा ली, फिर तो ना तो वो खुद जी पाएगा ना तो आपको जीने देगा। देखिए यहाँ पे शेडो साइड दिख रही है, ये पर्सन का कर्मा कैसे हिट करता है। इसको ये लगा था कि हाँ मैं सबको खुश रख लूँगा, ये शादी हो जाएगी तो मुझे घर भी मिला रहेगा, मान सम्मान बना रहेगा, माँ बाप खुश रहेंगे, लड़की भी आ जाएगी घर में, शादी भी हो जाएगी और ये आपको भूल जाएंगे। ये इस इल्यूजन में फंसे हुए पर्सन है, 3D सेल्फ ये इनका है, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के लोगों को यही करते हुए देखा है। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, इनको लगता है शादी के बाद ठीक हो जाएगा। इन लोगों की फैमिली भी ऐसी होती है कि इनको लगता है शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये वहीं से पैदा हुए हैं, मैं कह सकती हूँ कि वहीं की सोच है इनकी, इन्होंने अपने आसपास यही देखा है। तो इस वजह से ये लोग शादी भी कर लेते हैं, जैसे कि इनके पेरेंट्स कहते हैं, जैसा कि ये खुद समझते हैं। लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने समाज, लोग, दुनियादारी को देखना होता है। ये इस इल्यूजन में फंसे होने की वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये आखिर करने क्या जा रहे हैं, इसके बाद इनकी ज़िंदगी क्या होने वाली है। इनको खुशी नहीं मिलती है कहीं पे भी, अगर ये अपने दिल की बात नहीं सुनते। इसीलिए इनको दोबारा से वो खुशी जब नहीं मिलती है, वहाँ से जब इनको धक्का मिलता है, जब शादी में ये लोग खुश नहीं रह पाते, ये उससे प्यार नहीं कर पाते, ये इनका पर्सन इनसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि प्यार तो ये इंसान एक को ही करता है ना, तो वो प्यार तो ये आपको कर चुके हैं, तो ये आपको भूल नहीं पाते हैं, सामने चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से ये इतना फंस चुके होते हैं, इतना ट्रैप हो चुके होते हैं कि ये वहाँ से फिर निकल भी नहीं पाते हैं। ये होता है इन लोगों के साथ जो समाज को देख के अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर देते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते। तब ये पर्सन लौट के आता है, तब इनको एहसास होता है कि नहीं, मैंने तो अब शादी करके भी देख लिया, अपने माँ बाप को खुश करके भी देख लिया, समाज को खुश कर दिया मैंने, रिश्तेदारों को खुश कर दिया, बट मैं तो इस लेडी को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, 24 घंटे ही मेरे दिमाग में रहती है, अब क्या किया जाए। अब तो वो समाज वहाँ पर खुश है, ठीक है, जहाँ पर उनको होना है, अब इस दुख में कौन आएगा, ना तो इनका समाज आएगा, ना ही इनका परिवार संभालेगा। इस तकलीफ से इनको कोई बाहर नहीं निकाल पाता, इनको राहत मिलती है सिर्फ आपसे बात करके, बट समाज की तरफ से अगर सोचा जाए तो वो यहां पे भी आ जाएगा इनको गलत बताने के लिए कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम तो कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स तो मार देनी चाहिए। यही होता आया है, यही है दुनिया, यही है रस्में इस समाज की, इस दुनिया की, बट दिल का क्या करे, दिल को तो कोई बाहर निकाल के नहीं फेंक सकता, ना ही तब ये समाज काम आता है। जब अंदर इंसान घुटता चला जाता है, जब उसको तकलीफ होती जा रही है, वो चाह के भी किसी और से प्यार ही नहीं कर पाता है, ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है। फिर वो पर्सन लौट के आता है आपकी तरफ, उनको एहसास होता है, फिर वो मैसेज करता है, बट तब तक देर हो चुकी होती है। यहाँ पे उनको होता है कर्मा हिट, जब उनको होता है एहसास, तब आप जब उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। देखिए ये पर्सन आपको ऑफ़र दे रहा है, आपने इसके ऑफ़र को देखा तक नहीं और आप आगे बढ़ गए, आप मूव ऑन करके, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस पर्सन ने आपको छोटा सा एक ऑफ़र दिया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक ही पेंटिकल है और आपके पास ऑलरेडी 9 पेंटिकल्स है। आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रो कर चुकी होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए, आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर चुके होते हैं, आपकी लाइफ में लड़कों की कमी नहीं रहती, लड़कियों की कमी नहीं रहती, रिश्तों की कमी नहीं रहती, आप पहले से बेहतर इतना अपने आप को ग्रो कर चुके होते हो कि आप अपने आप से प्यार करते हो। और जब इंसान अपने आप से प्यार करने लग जाता है तो फिर कोई लौट के आ भी जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्सन फिर आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन फिर आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। अब इसका ऑफ़र देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपने ही इतना अपने लिए रख कर लिया है कि आपको अब ज़रूरत ही नहीं इस पर्सन की। और जब ऐसा होता है तब उनको लगती है चोट, तब उनको होती है तकलीफ़ कि इन्होंने उस वक्त आपने क्या सहा, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे लोगों को इनका कर्मा हिट करता है, लेकिन तब इतनी देर हो चुकी है, ये जा के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, ना ये अपनी शादी से बाहर निकल सकते हैं। और वो लोग जिन लोगों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी करवाई थी, वो लोग भी अपनी खुशी में मस्त रहते हैं, ऐसे ही जीते हैं,
तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता, अभी फिर ये पर्सन रह जाता है अकेला। ऐसे होता है इनका कर्मा हिट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कर्मा हिट उनका करे, तो आपको ऐसी एनर्जी में आना होगा अपने लिए, ठीक है। मैं क्यों बोलती हूँ सेल्फ लव, लोग अगर धोखा दे के जाते हैं, देखिए कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, खड़े नहीं रह पाते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते हैं वक्त आने पे, तब मैं आपके लिए ऑप्शन बचता है सेल्फ लव। और जिस दिन आपको सेल्फ लव हो जाता है, तो आप किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंड नहीं होते। जब भी आप के अंदर सेल्फ लव होता है, आप फाइनेंशियली भी अपने लिए कुछ ना कुछ करियर में ऐसा कर रही होती हूँ कि आपको फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता रहना पड़ता, ठीक है। इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, और फिजिकली मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर किसी को परेशानी होती है किसी के ऊपर कोई फिजिकल। जब किसी के साथ हमको इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो उस पर्सन के साथ हम फिजिकल होना भी पसंद नहीं करते हैं और देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका पर्सन कभी आपके लिए इमोशनल अवेलेबल ही नहीं था, तब आप आते हैं इस एनर्जी में। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐसे पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो, तो आपको अपनी जिंदगी में ग्रेस के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि आपको डिप्रेशन की तरफ एक बेचारा या बेचारी बन के जीना चाहिए। नहीं, आपको बेचारी नहीं बनना, बल्कि आपको पहले से भी बेहतर बन जाना है कि वो भी जब लौट के आए और देखे आपको कि ये मैंने क्या खो दिया, ठीक है, मैंने तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए और हीरा खो दिया। उस पर्सन को एहसास जब ऐसा होता है ना, तब करता है उनका कर्मा हिट। सारी जिंदगी उनको फिर पछतावे में जीना पड़ता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, और इतने ट्रैप हो जाते हैं और वो वापस भी नहीं निकल पाते। और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती हैं, ये पर्सन तो फिर एक छोटी सी ऑफर देता है। जब आप सेल्फ लव में आते हैं, तो आपको आपके ही हिसाब का कंपेटिबल पर्सन दिया जाता है, जिसको आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके साथ आपको अच्छा फील होता है, आप नए दोस्त बनाते हो। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, जब आप हाई वाइब्स में जाती हैं, तो आप देखते हैं कि दूसरे पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोग आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तब आप आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हो। तो इस तरह से होता है इस पर्सन को कर्मा हिट, तब ये उस पेन से गुजरता है जिस पेन में कभी आप गुजरे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपको, शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ रखा है, हाँ सी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कभी आपको किसी ने धोखा दिया है, तब आपको और ज़्यादा ताकत से खड़े होना है, और ज़्यादा जोर लगा के फिर से खड़े होना है, और अपनी ज़िंदगी की नई नींव रखनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो मैं इसी को लेना चाहती हूँ। देखिए, ये दिखा रहा है एस ऑफ कप। आपको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, अपने रिलेशन में नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है, जो आपके लिए बिल्कुल कंपेटिबल है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पर्सन है, तो आपको उसको हाँ करनी चाहिए। किसी भी मैरिड पर्सन का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो पर्सन सिंगल है, आप सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आपको सिंगल पर्सन को चूज़ करना चाहिए। प्यार रहेगा, ठीक है, लेकिन प्यार के लिए ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जाती, ठीक है। प्यार होने से काफ़ी नहीं कुछ होता, प्यार हो सकता है, ऐसा प्यार अनकंडीशनल लव कर सकते हैं आप, ठीक है। बट आगे मूव ऑन होइए, क्योंकि आपको भी अगर अकेलापन फील होता है, तो आपके लिए ये ऑप्शन यूनिवर्स हमेशा देता है कि आप वैसा पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए जैसा आपको चाहिए। इस तरह से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब उनके साथ क्या होता है ये बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप ऐसा आगे बढ़ जाती हैं, तो जिसको उन्होंने चूज किया है ना, वो ही उनको अच्छे से सबक भी सिखा रही होती है, आपका बदला वो ले रही होती है जिनको उन्होंने चूज किया, वो उनके साथ वैसा ही कर रही होती है, आर्गुमेंट हो रहे होते हैं उनके उनके पार्टनर के साथ, ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही कार्ड को अगर मैं देखूं,
तो अगर आप आगे मूव ऑन हो जाते हैं तो यहाँ आर्गुमेंट ही होते हुए दिखाई देते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, वो उसको प्यार नहीं कर पाते। देखिए, जो मजबूरी का रिश्ता होता है तो वो सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही चलना पड़ता है, एक दूसरे के साथ तकरार होती रहती है उनकी, तो उनको सबक ही वो सिखाती हैं। आपके सारे जो आप चाहते हैं कि बदला आपको मिले, ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ तो उनके साथ उनका पार्टनर वही सब बिहेव करता है। तो इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेना चाहिए, कभी किसी ऐसे पर्सन के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। यही रीडिंग निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले तो अब आपको अपने आप को भी बदलना होगा और आगे बढ़ जाना होगा वननेस के साथ। लाइक कीजिए मेरी इस रीडिंग को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।